अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ब्यूटी टिप्स लाए जो आपके अनवांटेड, जो आपके गैर ज़रूरी बाल चेहरे से मूव करेगा और स्किन फेयर करेगा, ब्लैक हैंड वाइट हैंड वो भी रिमूव करेगा। उसके लिए मैंने लिए यहाँ पे जेलेटिन और ये हलाल है। पहले कैरेट्स को क्रश कर लें, उसके बाद उसे छन्नी में रख के स्पून के ज़रिए उसका जूस निकाल लें। ये लिया है मैंने 1 टेबल स्पून और मिल्क, गरम मिल्क 2 टेबल स्पून डालेंगे, 1.5 टेबल स्पून जेलेटिन पाउडर। तो हम यहाँ जेलेटिन पाउडर निकाल लेते हैं। इसमें हम डालेंगे कैरेट जूस 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून हॉट मिल्क। इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून कोकोआ पाउडर और इसे मिक्स करेंगे। और अगर ये गाढ़ा होगा मैं इसमें मिल्क डालूंगी, हॉट मिल्क, और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये देख जी पेस्ट बना लिया है और ये कोई लम्स नहीं है इसमें। तो सबसे पहले अपना फेस को धो लें, धोने के बाद उसे ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद ये चेक करें, गर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ठंडा भी नहीं है। आप ज़रूर चेक कीजिएगा वरना आपकी स्किन जल जाएगी। जब भी आप लोशन लगाएं या क्रीम लगाएं तो स्किन को ऊपर के साइड पे लेके जाएं। ये देखिए जी मैंने लगा लिया है, मैं इसको छोड़ दूंगी 20 से 25 मिनट की। जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसे पिल ऑफ करेंगे। ये देखिए जी ये ड्राई हो गया है और इसको 20 से 25 मिनट लगे ड्राई होने में, ज़रूर कीजिएगा। और जब भी लगाएं आप इसको तो उसको चेक ज़रूर करिएगा। अगर ये गर्म होगा तो आपकी स्किन को बंद करेगा और अगर ठंडा होगा तो वर्क नहीं करेगा। इसको मैं अब पिल ऑफ करती हूँ और इसको नीचे के साइड से निकालेंगे। इससे आपकी स्किन के ब्लैक हैंड वाइट हैंड इससे आपकी स्किन अच्छी होगी, कील मास से दूर होंगे और ब्लैक हैंड वाइट हैंड रिमूव होंगे और जो आपके स्किन पे फेशियल हेयर हैं वो भी इससे मूव होंगे। तो बस एक दो बातों का ख्याल रखिएगा, ये गर्म ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो वरना ये इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा, और गर्म होगा तो आपकी स्किन को बर्न कर देगा, जला देगा। तो बस इसका केयर करना है और इसको कम्प्लीटली ड्राई होने देना है, और अगर आप ड्राई नहीं होने देंगे, पिल ऑफ करेंगे तो वो नहीं होगा पिल ऑफ। ये देखिए जी अभी मैंने हाथ भी नहीं धोया, ये देखें। ये देखिए जी मैंने अपना हाथ धो लिया है, स्किन देखें फेयर भी लग रही है, चेहरे के किल मां से ब्लैक हैंड वाइट हैंड दूर होंगे। इसको एक दो दफा करने से बाल आपके ख़त्म हो जाएंगे स्किन से। और ये देखें स्किन बहुत अच्छी स्मूथ हो गई है, फेयर हो गई है। अब मैं इस पर थोड़ा सा विटामिन ई ऑयल लगा लूँगी। तो आप कीजिएगा, बनाइएगा ये और मुझे बताइएगा कैसा लगा। अच्छा लगे तो थम्सअप कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, मेरा फेसबुक पेज है उसे लाइक कीजिएगा।
रानी ब्यूटी टिप्स, वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो अपलोड है, वो भी देखेगा। ये देखें ये जम रहा है थोड़ा थोड़ा सा, 15 से 20 सेकेंड इसको माइक्रो में रख लीजिएगा तो ये एक पेस्ट बन जाएगा। इसको दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो। तो ये बनाएगा, मुझे बताइएगा कैसा लगा। अच्छा लगे तो थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट दें, मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको आंसर दूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर दूँगी। और ये बनाएगा, बताएगा कैसा लगा। अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, मुझे सब्सक्राइब करवाएँ। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।